नमस्कार किसान साथियों, मैं पवन धाकड़ आपके अपने YouTube चैनल बदलता किसान में सभी किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एमिस्टार जो कि मार्केट में बहुत ही अच्छा ब्रांड है और वह क्या काम करता है, कौन सी कंपनी का होता है, मैं पूरी जानकारी आपको वीडियो में अंत बने रहिए जानकारी दूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। किसान साथियों, सभी किसान साथियों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। और किसान साथियों, आज हम बात करेंगे एमिस्टार जो कि एमिस्टार का टेक्निकल क्या रहता है, वह कौन कौन सी क्रॉप में जाता है और कितना डोज रहता है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो किसान साथियों, पहले बात कर लेते हैं हम एमिस्टार कौन सी कंपनी का आता है। तो मार्केट की बहुत बड़ी ब्रांड सिजेंटा कंपनी का जो कि एमिस्टार आता है, अगर उसका टेक्निकल की बात करें तो एजॉक्सटोबिन 23% उसका टेक्निकल रहता है। वह कौन कौन सी क्रॉप में जाता है किसान साथियों, तो मैं इस पर थोड़ा सा आपको डिस्कस में बताऊंगा कि वह लहसुन, प्याज, गेहूं, चना जैसे कि बहुत सारे फूल, अन्य फसलों में भी उसका, हर एक क्रॉप में आप उसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि धान में भी उसका यूज होता है। किसान साथियों, वह क्या काम करता है हम इस पर भी डिस्कस करते हैं। तो वह एक फंगीसाइड है जो कि फफूंद नाशक फंगस को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में लेड ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट को भी वह कंट्रोल करता है। जैसे कि बहुत सारे किसान भाई चने उपसुक के रोग के लिए एमिस्टार का यूज करते हैं, उससे सी ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, उससे सी ट्रीटमेंट चने जैसे कि उतरने की, उपसुक होने की जो समस्या रहती है वो नहीं होती है। किसान साथियों, चने अगर उसका डोज रहता है 50 ml प्रति क्विंटल और अगर स्प्रे में जाता है तो 50 ml प्रति बीघे के हिसाब से उसका डोज रहता है। किसान साथियों, वह डोज कंफर्म डोज है जो कि कंपनी ने 50 ml का डोज बताया गया है। किसान साथियों, देखा जाए तो यह बहुत सारी क्रॉप में यूज होता है, जैसे कि लहसुन में पिलासपन को लेकर भी इसका यूज किया जाता है। इसके रिजल्ट की अवधि अगर बात करें तो ये 6 दिन के अंतराल इसका कार्य करने की प्रक्रिया चालू कर देता है। किसान साथियों, इसका लंबे समय तक क्लाइमेट अगर अच्छा रहता है तो 20 से 25 दिन तक भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, यह साथ साथ में पिलासपन, लहसुन प्याज में पिलासपन के लिए ज्यादातर यूज होता है, जैसे कि बहुत सारे किसान भाइयों के ऊपर से टुचकी सुखाने की समस्या आती है, इसलिए इसका यूज एजॉक्सोबिन है जो क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ा देता है। किसान साथियों, देखा जाए तो एमिस्टार बहुत ही अच्छा टेक्निकल जो कि एजॉक्सोबिन उसका टेक्निकल है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सिजेंटा कंपनी का आता है। धन्यवाद किसान साथियों, यह तो हुई प्रोडक्ट की जानकारी और टेक्निकल की जानकारी। इसी प्रकार की कोई जानकारी आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, हम अधिक से अधिक किसानों तक उस टेक्निकल या उस प्रोडक्ट को लेकर जानकारी जारी करेंगे। धन्यवाद किसान साथियों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय जवान जय किसान।